दोस्तों, जब से हमारी धरती पर जीवों का जन्म हुआ है, तब से शार्क एक ऐसी स्पीसीज है जिनके सिर्फ नाम से ही दूसरे जानवर और इंसान डर से कांपने लगते हैं, चाहे वो जीव बड़े साइज वाले ब्लू व्हेल हो या फिर तेज दिमाग के इंसान। लेकिन इसके बावजूद शार्क हर साल सिर्फ 18 से 100 लोगों को ही अटैक करती है, जिनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी जान जाती है। और दूसरी तरफ एक साल में 1500 से भी ज्यादा लोगों को तो मामूली वेंडिंग मशीन ही इंजर्ड कर देती है, जिसके चलते 4 लोगों की जान भी जाती है। और अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वेंडिंग मशीन शार्क से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है, जो इन शार्क के नंबर के कंपैरिजन में 13 गुना से भी ज्यादा है। और बाकी जानवर के कंपैरिजन में शार्क इतने सारे अटैक के बाद भी इतने कम लोगों की ही जान लेती है। तो दोस्तों, हम सब इससे इतना क्यों डरते हैं? ऐसी कौन सी खास बात है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है? वही चीज आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट के माने तो हमारी धरती पर अब तक 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर जीवों की प्रजाति को डिस्कवर कर चुके हैं, जिनमें से द ग्रेट व्हाइट शार्क को आज के सभी समुद्री जीवों से सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक के होते हैं। और इसकी वजन की बात करें तो यह लगभग 1900 किलो की होती है, जिससे इसे सबसे खतरनाक जीव बनाती है। वहीं इनके दांत भले ही 8 सेंटीमीटर के हो, जब यह किसी ऑब्जेक्ट को काटती है तो उसका फोर्स 18200 न्यूटन टन का होता है, जो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा है। साथ ही इन जीवों के पास एक ऐसा ऑर्गन मौजूद है जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट को बड़ी आसानी से महसूस कर सकती है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से ज्यादातर शार्क की स्पीसीज में ग्रेट व्हाइट शार्क ही सबसे ज्यादा इंसानों पर अटैक करती है, और इस दौरान इनकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और इसलिए इन जीवों से इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं। और इसी डर के चलते हम बात करने वाले हैं शार्क की सबसे डेंजरस स्पीसीज मेगालोडॉन शार्क के बारे में। दोस्तों, मेगालोडॉन शार्क आज से करीब 26 लाख साल पहले पाए जाते थे, जो साइज में ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा यानी कि 18 मीटर की हुआ करते थे। और तो और इनका वेट 60 टन के आसपास हुआ करता था, साथ ही उनके दांत 18 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंडियन के हाथों का साइज 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दांत कितने बड़े हुआ करते थे। और मेगालोडॉन शार्क के लगभग 217 से भी ज्यादा दांत होते थे, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से 180,000 न्यूटन के फोर्स से खत्म कर सकता था। और अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये किसी भी बड़े समुद्री जीव को आसानी से खा सकती थी और मार सकती थी। और दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक इनके जबड़े के अंदर आराम से 3 लोग फिट हो सकते थे। और अगर मेगालोडॉन की पूरी बॉडी की बात करें तो यह 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी हुआ करती थी। इसका वेट दुनिया के सबसे हैवी वेटर टैंक से ज्यादा था, लेकिन इतना हैवी होने के बावजूद मेगालोडॉन बड़े आसानी से पानी में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता था, जो इस दुनिया के सबसे तेज स्विमर माइकल फिलिप के स्पीड के डबल से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, आप इमेजिन करें वो सिचुएशन जिसमें एक 4 मंजिला बिल्डिंग साइज का शार्क जिसका वेट एक टैंक से भी ज्यादा हो और वही चीज 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका पीछा कर रही हो, ऐसे सिचुएशन में किसी भी जीव को डरना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, अब तक जो मेगालोडॉन के जीवाश्म मिले हैं जिनकी एक्चुअल एज 26 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसका मतलब ये सी मॉन्स्टर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका है। लेकिन दुनिया में कई लोगों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में भी इस विशाल शार्क होने के दावे किए गए हैं। इन दावों में कहा गया है कि यहां करीब 45 फीट लंबी शार्क मौजूद है, और इसी के चलते 2009 में हिस्ट्री चैनल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यहाँ इस शार्क को खोजने की कोशिश की। हालांकि इन्हें भी इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन हिस्ट्री चैनल ने यह जरूर माना है कि यहाँ यह विशालकाय शार्क मौजूद हो सकती है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मछुआरों ने भी 30 से 40 फीट लंबी शार्क देखे जाने के दावे किए थे। लेकिन मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के ज्यादातर दावों को झुठलाया गया है और पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं, जिनसे ये कहा जाए कि ये मॉन्स्टर मेगालोडॉन शार्क आज भी मौजूद है। लेकिन इसे पूरी तरह झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि कई खोज में ये पाया गया है कि जो विलुप्त माने जाने वाले कई जीव आज भी जीवित पाए गए। अब मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के दावे सच है या झूठ, ये तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये बात साबित हो जाती है कि आज भी मेगालोडॉन शार्क जीवित है, तो ये वाकई में सबके लिए चौंकाने वाली बात होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।